तो एजेंटमेंट हासिल की गई जिसके तहत बंडी अताई खान और गरीब खुलगरा को PK-37 के साथ मिला दिया गया और जंगड़ा हवेलियां आर्गन और कैंट को 38 PK-38 के साथ मिला दिया गया। ये सब में मिस रिप्रेजेंटेशन थी, मिस राइट किया गया हैदराबाद हाईकोर्ट को शौकत तनोली की तरफ से। शौकत तनोली ने असल में ऐसा किया कि उसने रिजल्ट्स बिफोर द इलेक्शन लोधी साहब को फेवर करने की कोशिश की। उसने इस तरह किया कि दरए दौड़ के लेफ्ट साइड पे उसने बंडी अपना जगड़ा कैंट और हवेलियां अर्बन को एक सेल्फ मेड मैप बना के इनको हवेलियां के बाएं तरफ दिखाने की कोशिश की और हवेलियां के दाएं तरफ बंडी अतरी खान और गरीब खुलगरा को उसने दिखाया। कोर्ट को मिसगाइड किया, कोर्ट को गुमराह किया ताकि हवेलियां के साथ गरीब खुलगरा का और बंडी अतरी खान का वोट ऐड ना हो सके। और ये सब कुछ करने की वजह उसको लोधी साहब को स्कोर करना था और उसने ये तमाम मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसने कोर्ट को मिसगाइड किया। जिस तरह के भी आपको नक्शे में भी आपको इसकी तफसील दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं ये उसने जो नक्शा जिसका रिकॉर्ड हाईकोर्ट में मौजूद है ये उसने दौड़ को जाहिर किया। ये लाइन आ रही है, ये तरह दौड़ की आ रही है, आप देख सकते हैं ये बाएं तरफ झगड़े को जाहिर किया, हवेलियां अरबन को जाहिर किया, बाएं तरफ नगरा को बाएं तरफ जाहिर किया, इसी तरह कैंप को भी इसके साथ उसने लेफ्ट साइड पे जाहिर किया। और आप ये देखें ये जो लाइन आ रही है इसके दाएं तरफ ये बंडी अताई खान और गरीब खुलगरा को जाहिर किया। ये सारा इसको दाएं तरफ करने का मकसद उसका ये था कि इन हलाकों का कोई ताल्लुक जो है वो बंडी अताई खान के साथ और गरीब खुलगरा के साथ नहीं है, इनको ताकि 37 के साथ लगा दिया जाए ताकि इनकी वोट जो है वो इन इलाकों के साथ ना जुड़ सके। ताकि उसने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि इलेक्शन से पहले उसने रिजल्ट लोधी साहब को फेवर करने के लिए हासिल करने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो उसको गुमराह करने की कोशिश की गई है और ये जो कुछ भी उसने किया ये गलत किया है। अभी ये जो उसका सेल्फ मेड नक्शा है जो उसने खुद बनाया अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि गूगल का नक्शा है, जो कि इलेक्शन कमीशन का नक्शा है, जो कि असल नक्शा है जिस जो कि उसको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए था। आप ये देखिए ये दयाई दौड़ की लाइन आ रही है, इसमें हवेलियां जो है उस दौड़ के राइट साइड पे है, दाएं तरफ है, जंगड़ा इसके राइट साइड पे है तो, और इसके साथ हवेलियां कैंट भी है और ये बाइन तरी खान और रजोरिया ये कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनाते हैं। इनका कम्युनिकेशन के जराये एक जैसे हैं, इनका जो जोग्राफियाई सूरत हाल है ये एक दूसरे के साथ है। तो इसमें सिर्फ दौड़ के दाएं तरफ जो है बंडी अताई खान और गरीब खुलगरा को दिखा के 37 के साथ मिला के दिखाने की कोशिश की है और जज से जो है वो जजमेंट हासिल कर ली है। इंशाल्लाह जब हम सारे हकायक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, जब जज साहिबान को असल हकायक का पता चलेगा तो उनको पता चल जाएगा कि शौकत तनोली ने जो है हाई कोर्ट को मिसगाइड किया है, उसने डिसीव किया है, उसने हाई कोर्ट को गुमराह करने की गलत गाइड करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम कोर्ट को ये हकायक बताएंगे तो कोर्ट इंशाल्लाह ताला हक पे फैसला करेगा, इंशाल्लाह ताला इंसाफ पे फैसला करेगा और इंशाल्लाह ताला ये दोनों यूनियन कौंसिल हवेलियां के साथ आएंगी और हवेलियां की मरकजियत बरकरार रहेगी। इसने तो हवेलियां की मरकजियत को खत्म करने की कोशिश की है, हवेलियां के साथ तो चार पांच उसकी अपनी यूनियन कौंसिल होनी चाहिए क्योंकि ये हवेलियां ही हमारी तहसील है, हवेलियां ही हमारा मरकज है और इस मरकज को हम कभी भी जो है वो किसी भी हलके की एक यूनियन कौंसिल की हैसियत, किसी बॉर्डर की यूनियन कौंसिल की हैसियत नहीं देने देंगे। हवेलियां की मरकजियत को हम कायम रखेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा, जहां तक भी जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह जाएंगे और शौकत तनोली को अपने मजमूम मकासद में अपना गलत गुमराह करके जो कोर्ट से उसने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को इंशाल्लाह ताला हम
गलत साबित करेंगे और जो असल डिसीजन है, जो हक पे है, जो सच पे है, जो इंसाफ पे है, वो वाला डिसीजन इंशाल्लाह लेके आएंगे और हवेलियां की आवाम को खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस फैसले के बाद तनावर की भी तमाम महरूमियों को इंशाल्लाह ताला सिकंदर आजम दूर करेगा इंशाल्लाह। जहां जितनी भी जितनी महरूमियां हैं वहां पे आज तक जो हमारी माए बहने घरों पे आज तक पानी ला रही हैं, वहां पे कोई तरक्की याफ्ता काम नहीं हुए, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुए, इंशाल्लाह हम आएंगे और तनावर की तमाम महरूमियों को दूर करेंगे। ये तनावर की आवाम से मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला। रब अल्लाह ताला हमें अपने इस मकसद में कामयाब करेगा। नस्रु मिनल्लाह वल फतहु करीब इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें फतह देगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।